हेलो फ्रेंड, मैं नरेंद्र आर्य, लाइफ मैनेजमेंट कोच। बेटर हस्बैंड बनने के डेली मेडिटेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। यह मेडिटेशन उन सभी हस्बैंड्स के लिए है जो अपनी पत्नी के साथ रिश्तों में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अपने डे टू डे फैमिली लाइफ को ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हैं और अपने जीवन में ज़्यादा संतुष्टि पाना चाहते हैं। इस मेडिटेशन का मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए कम से कम 90 डेज तक रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। इसे सुबह उठते ही और रात में सोते समय करने पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेडिटेशन फीडबैक फॉर्म को अवश्य भरें और फिर हर 30 दिन बाद अपने प्रोग्रेस को भी उसी फीडबैक फॉर्म के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। इस मेडिटेशन के लिए आप एक शांत और आरामदायक जगह को पसंद करें। अपने पास की सारी वस्तुओं को जो कि आपकी जेब आदि में हो उसे बाजू में रख दें। हो सके तो मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल दें। पालथी मारकर बैठते हुए और पैरों के घुटनों पर अपने दोनों हथेलियों को रखते हुए ज्ञान मुद्रा में रखें और धीमे से अपनी आंखें बंद कर लें। आपका ध्यान आपकी श्वास के आने जाने पर हो। अब धीमी गहरी श्वास अंदर लेंगे, धीमी गहरी श्वास बाहर, फिर से धीमी गहरी श्वास अंदर, धीमी गहरी श्वास बाहर, फिर से धीमी गहरी श्वास अंदर लेंगे, धीमी गहरी श्वास बाहर। अब जो पॉजिटिव वाक्य मैं बोलने वाला हूँ उसे आप मन ही मन रिपीट करेंगे। मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं अपनी पत्नी के सपनों को इनकरेज करता हूँ और उसका सपोर्ट करता हूँ। मैं अपनी पत्नी के सपनों को इनकरेज करता हूँ और उसका सपोर्ट करता हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी से और खुल करके बातचीत करता हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी से और खुल करके बातचीत करता हूँ। मैं अपनी पत्नी के लिए एक इमोशनल सपोर्ट का सोर्स हूँ। मैं अपनी पत्नी के लिए उसके इमोशनल सपोर्ट का एक सोर्स हूँ। मैं अपने प्यार को उसके सामने प्रदर्शित करता हूँ। मैं अपने प्यार को उसके सामने प्रदर्शित करता हूँ। मैं किसी न किसी बहाने उसकी प्रशंसा करते ही रहता हूँ। मैं किसी न किसी कारण से उसकी प्रशंसा करते ही रहता हूँ। मैं उसके साथ गुजारने के लिए गुणवत्ता युक्त समय जरूर निकालता हूँ। मैं उसके साथ गुजारने के लिए गुणवत्ता युक्त समय जरूर निकालता हूँ। उसके साथ व्यवहार करने में मैं बहुत अधिक सब्र और समझदारी प्रदर्शित करता हूँ। उसके साथ व्यवहार करने में मैं बहुत अधिक सब्र और समझदारी प्रदर्शित करता हूँ। मैं प्लानिंग के साथ उसको पॉजिटिव सरप्राइज देते रहता हूँ। मैं प्लानिंग के साथ उसको पॉजिटिव सरप्राइज देते रहता हूँ। मैं एक विश्वसनीय पार्टनर हूँ और उसका विश्वास नहीं तोड़ता। मैं एक विश्वसनीय पार्टनर हूँ और उसका विश्वास नहीं तोड़ता। मैं अपनी फीलिंग्स को और थॉट्स को उसके साथ शेयर करता हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को और थॉट्स को उसके साथ शेयर करता हूँ। मैं एक गुड लिसनर हूँ। मैं एक गुड लिसनर हूँ। जब भी वह कुछ बताना चाहती है तो धैर्यपूर्वक उसकी बातों को ध्यान से सुनता हूँ। जब भी वह कुछ बताती है तो उसकी बातों को मैं धैर्यपूर्वक ध्यान से सुनता हूँ। मैं उसे स्वयं की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। मैं उसे अपनी स्वयं की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ।
मैं उसे हंसाता हूँ और उसके लिए खुशियाँ लाता हूँ। मैं उसे हंसाता हूँ और उसके लिए खुशियाँ लाता हूँ। मैं अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगता हूँ और उसकी गलतियों के लिए उसे क्षमा कर देता हूँ। मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ और उसकी गलतियों के लिए मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। मैं उसके साथ बाहर घूमने के लिए सरप्राइज डेट प्लानिंग करता हूँ। मैं उसके साथ बाहर घूमने के लिए सरप्राइज डेट प्लानिंग करता हूँ। मैं अपनी पत्नी के लिए लॉयल हूँ और कमिटेड हूँ। मैं अपनी पत्नी के लिए लॉयल हूँ और कमिटेड हूँ। उसकी सभी अच्छाई के लिए मैं उसकी प्रशंसा जरूर करता हूँ। उसकी सभी अच्छाई के लिए मैं उसकी प्रशंसा जरूर करता हूँ। मैं अपनी पत्नी की किसी भी सफलता को सेलिब्रेट करता हूँ। मैं अपनी पत्नी की किसी भी सफलता को सेलिब्रेट करता हूँ। मैं अपनी पत्नी के परिवार वालों को अपने परिवार वालों की तरह ही सम्मान देता हूँ। मैं अपनी पत्नी के परिवार वालों को अपने परिवार वालों की तरह ही सम्मान देता हूँ। अब 3 बार धीमी गहरी सांस फिर से अंदर करेंगे और बाहर करेंगे। धीमी गहरी सांस अंदर, धीमी गहरी सांस बाहर। फिर से धीमी गहरी सांस अंदर, धीमी गहरी सांस बाहर। फिर से धीमी गहरी सांस अंदर, धीमी गहरी सांस बाहर। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मलते हुए उत्पन्न एनर्जी को पूरे चेहरे पर लगाएं और मुस्कुराते हुए अपनी आँखों को खोल दें। अगर यह मेडिटेशन आपको काम का लगा हो तो इसे अपने एक फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कर दें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फीडबैक फॉर्म को अवश्य भरें।